आज की क्लास में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स सीखेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स 11 ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन आज हम ये चारों कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट देखते हैं, ड्यूअल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, और कौन से होते हैं वो दो एस्पेक्ट्स? डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए इसे कहा गया ड्यूअल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एंट्री सिस्टम मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब ड्यूअल एंट्री सिस्टम। इसके बाद सेकंड है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या चीज है? इसके नाम से ही पता चलता है। मान लीजिए आपने बिजनेस 2008 में स्टार्ट किया, सेवन ईयर्स के बाद अचानक से आपके दिमाग में आ गया कि चलो हम पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं कि चलो 7 सालों बाद हमने अपने अकाउंट्स खोले और हमें पता चला कि हमें 5 लाख का या 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब आप क्या करेंगे? बिजनेस खोला हमने 2008 में, हम 7 सालों बाद उसका प्रॉफिट देख रहे हैं जो 7 लाख रुपए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात भी मान लेती हूं। अब ये 7 लाख का प्रॉफिट कैसे हुआ होगा? क्या हर साल आपको 1-1 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा? क्या ऐसा हुआ होगा कि हर साल आपको 1-1 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा? क्या आप इस बात को मानते हैं? 7 साल बाद अगर 2008 में हमने बिजनेस खोला है और 7 सालों बाद हम अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या आइडिया लगाएंगे कि हर साल हमें 1-1 लाख का प्रॉफिट हुआ है? या हम मान के चल लेते हैं कि हमें पहले 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, फिर 3 लाख का नुकसान हो गया और फिर 7 लाख का प्रॉफिट हो गया, ऐसे मानकर चले, तो क्या करेंगे? हम इस लास्ट के प्रॉफिट को देखेंगे। इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे का रिजल्ट आता है और वो बच्चा 10th में 90% लेकर आता है और हम उसे नहीं बताते, हम सोचते हैं कि हम उसे अगले साल बताएंगे। 11th में वो बच्चा 70% लेके आता है, हम उसे फिर से नहीं बताते, हम सोचते हैं अगले साल बताएंगे। 12th में वो बच्चा 50% ले आता है, अब हम उसे बता देते हैं। जब हमने उसे बताया कि 12th में उसके 50% है, उस बच्चे ने ये बोला कि अगर मुझे पहले ही पता चल चुका होता
कि उसके 10th में 90% है, 11th में आके वो 70% पर आ गया, 12th में वो 50% पर आ गया। तो अगर उसे हर साल अलग अलग पता चल जाता, यहाँ उसे पता चल गया 90, वो और ज़्यादा मेहनत करता, 11th में उसके और अच्छे आते, 12th में उसके और अच्छे आते, अगर उसकी उसकी गलती यहीं पता चल जाती। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि हर एक साल बाद उसे उसका रिजल्ट चाहिए, ताकि उसका रिजल्ट सही आ सके और अच्छा आ सके, वो सही डिसीजन ले सके राइट टाइम पे। इसी तरह से हमारा बिजनेस है, अगर हम बिजनेस में ये सोचें कि हम 7 साल बाद या 10 साल बाद अपना प्रॉफिट ढूंढे, मान लीजिए हमारा मन करा कि हम 15 सालों बाद अपना प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, हम पता कर रहे हैं हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, या 10 सालों बाद हम सोच रहे हैं चलो आज निकाल लेते हैं प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो क्या होगा? इससे बिजनेस डूब जाएगा। इसीलिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट रखा गया है कि हर एक साल बाद, कम से कम एक साल बाद, एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम एक साल बाद अकाउंट्स को देखा जाएगा। देखा जाएगा कैसे? हर एक साल बाद फाइनल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी। किस लिए? ताकि हम अपने बिजनेस का रिजल्ट हर एक साल बाद देखें कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, और राइट डिसीजन उसका ले सकें सही टाइम पर। इसीलिए है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब हम सीखेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मान लीजिए कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और मुझसे किसी ने आके पूछ लिया कि आप अपना बिजनेस बंद कब करोगे, और मैंने उससे कहा कि अभी तो मैंने स्टार्ट की है, मैं अपना बिजनेस बंद क्यों करूंगी? उसने कहा कभी तो बंद करोगे? मैंने उससे कहा नहीं, मेरा बिजनेस हमेशा चलेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा ये मानकर चलते हैं, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, मैंने सोच लिया कि 4 दिन के बाद मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगी, 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कभी भी मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है और मैंने सोच लिया, अपना माइंड बना लिया कि मैं 4 दिन या 3 दिन के बाद अपना बिजनेस बंद कर दूंगी। अचानक से मुझे कोई पेमेंट देने आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी उससे कि मत आओ, मैं तो अपना बिजनेस 3 दिन बाद बंद कर रही हूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे पेमेंट ले लूंगी। चलो मैंने पेमेंट भी ले ली, अब क्या मैं इस पेमेंट की एंट्री अकाउंट्स में करूंगी? क्योंकि मुझे तो ये है कि 4 दिन बाद, 3 दिन बाद या शायद सुबह ही मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं तो अब क्या करूं? इस पेमेंट की एंट्री मत करूं, ये जो 10,000 मेरे पास आए हैं, क्या इसकी एंट्री अकाउंट्स में ना करूं मैं? मतलब क्या सोचूं मैं कि अब क्या फायदा,
एंट्री करने का, अब तो बिजनेस बंद ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, इन 10,000 रुपए की एंट्री, अगर हमारा बिजनेस सुबह भी बंद हो रहा है तब भी हम इन 10,000 रुपए की एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे इसकी एंट्री, क्यों करेंगे? क्योंकि पहली चीज, हो सकता है इस 10,000 रुपए को रिकॉर्ड ना करने से मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ना पता चले। मैं अपने यूजर्स को क्या दिखाऊंगी? मेरे बिजनेस के यूजर्स भी होंगे, मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी? टैक्स भी तो भरूंगी मैं, कैसे भरूंगी? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मीनिंग यही है कि हमारा बिजनेस बंद भी हो रहा हो तब भी हम हमेशा यही एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, वो हमेशा चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में वी एज्यूम ओनली वन थिंग, सिर्फ एक ही बात को हम एज्यूम करके चलते हैं हमेशा, दैट आवर बिजनेस विल रन फॉर एवर, ये कभी भी बंद नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इसमें रिकॉर्ड होंगे। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे जिनकी मॉनेटरी वैल्यू, जिनकी मनी में वैल्यू होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये चारों कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आगे के कंसेप्ट्स देखेंगे।